एटा में सीजेएम के रिटायर्ड पेशकार के घर में रात 3 बजे दो चोर घर में घुसे। सोने की दो अंगूठी और चांदी के कंधोनी और अन्य जेवरात सहित 92,000 की नकदी को किया पार। कुल 2 लाख रुपए की बताई जा रही है चोरी। शातिर चोरों द्वारा अलमीरा सेफ को खोलने पर खटर पटर की आवाज सुनकर घर वाले जाग गए। एक शातिर चोर अमन जैन उर्फ गोलू को मौके से पकड़ लिया और दूसरा चोर सोने चांदी के जेवरात और 92,000 की नकदी लेकर हुआ फरार। स्थानीय लोगों ने शातिर चोर को मौके से पकड़कर जमकर की धुनाई। पीड़ित राजेंद्र मिश्रा ने दो आरोपियों के खिलाफ कोतवाली नगर में तहरीर देकर चोरी की FIR कराई दर्ज। पीड़ित ने सोने चांदी के जेवर व 92,000 की नकदी सहित 2 लाख की चोरी की जताई गई आशंका। शातिर चोर अमन जैन उर्फ गोलू स्मैक के नशे का आदि बताया जा रहा है और ये शातिर चोर दर्जनों बार चोरी और टप्पेबाजी में जेल जा चुका है। एटा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के पुरानी बस्ती में चोरी का मामला। एटा से हर्ष द्विवेदी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? देवेंद्र मिश्रा। देवेंद्र मिश्रा जी, बताइए आपके घर में चोर घुसे, क्या है मामला? ये हम लोग सो रहे थे तो 3 बजे कड़ी खटपट की आवाज सुनाई थी। ये दो लोग थे, एक भाग गया था। लगभग जब ये पकड़ा गया तो हमने इसे पकड़ने की कोशिश की तो भागते हुए गिर गया। फिर हमने पुलिस बुला ली थी, उसके बाद पुलिस पकड़ के आया यहाँ पे, मेडिकल कॉलेज भर्ती करा दिया उसने। कितने, क्या चोरी हुआ था आपके? ये दो लोग थे, एक तो चोरी करके भाग चला गया था सामान। लगभग 22,000 रुपए एक थे, 70,000 रुपए एक थे, सोने की सोने चांदी की अंगूठी। कुल 92,000 रुपए और एक अंगूठी थी, एक कंदोनी थी सोने की। हाँ, सोने की। हाँ। और एक चांदी की पायल थी, एक चांदी की कंदोनी थी और छोटे मोटा सामान और भी था। लगभग कितने की टोटल जो चोरी होगी? टोटल चोरी 2 लाख के आसपास। तो कितने लोग थे यार चोर हुए? ये दो लोग थे, एक तो भाग गया। कैसे घुसे थे? छत पैसे आए थे। पुलिस लेकर के आई गिरफ्तार? हाँ, पुलिस ने गिरफ्तार करके यहाँ पे भर्ती करा दिया। FIR करा दिया? FIR हमने लिखा दिया, अभी उन्होंने करी नहीं। तहरीर दे दी। क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। मिश्रा जी, क्या हुआ है बताया आपके घर में चोर घुसे, क्या हुआ? हमारे घर में लगभग 3 बजे जी दो चोर घुसे आए। एक अलमारी में से ये सामान ले जा चुके थे। हाँ। और एक में जैसे ही इन्होंने अलमारी स्टील वाली अलमारी खोली, आवाज हुई तो हम भागे, तो एक को पकड़ लिया। हाँ। उसको पुलिस को फोन किया 112 नंबर को। हाँ। कई बार नहीं मिला, तब एक आदमी कोतवाली भेजा, पुलिस वाले मौके पहुंचे। हाँ। और उन्होंने वीडियोग्राफी बनाई है। तो कोई माल भी बरामद हुआ है इस चोरी का? चोरी का एक इनका साथी भाग ले गया, एक सोने की अंगूठी है। हाँ। 22,000 रुपए है। हाँ। बोले गए। और एक में हमारे बच्चे के 70,000 रुपए रखे थे अलमारी में, चोरी निकाल के ले गए। कितनी चोरी कर ली है? 2,270 92,000 रुपये एक अंगूठी। अच्छा। और कुछ चांदी की एक अलमारी पायल थी और एक कर्दनी थी। आरोपी का वो भाग गया। तो अभी हॉस्पिटल में लोगों ने वहाँ मारपीट भी की? लोगों ने ना गिन। हाँ, अब तो मोहल्ले के लोग आ जाते हैं तो। हाँ। पुलिस के पुलिस भी पहुंच गई मौके, पुलिस ही लेके आई है वहाँ से। क्या नाम बता रहा है चोर? गोलू अमन जैन पुत्र अनिल जैन, आप पुरानी बस्ती है। पहले भी इस तरीके से कई जगह क्रिमिनल हिस्ट्री है इसकी, तो ये कम से कम 100 मुकदमे अब तक इस पर कायम हुए होंगे। चोर का पता चल पाया कौन था? कोई पता नहीं चला उसका, तो भाग गया।